नाम बताओ। इसका नाम है चांदनी। मंजू ब्यूटी पार्लर के सबसे स्टार एम्प्लॉय, सबकी चहेती, आपकी खूबसूरती के, आपके टैलेंट की तो लोग तारीफ करते नहीं थकते। सही कहा ना हमने? चांदनी उर्फ चंदू। डॉक्यूमेंट्स चेक करते वक्त हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन जब हमने और अच्छे से छानबीन की और डिटेल में पता लगाने की कोशिश की, तब जाकर हमें पता चला कि ये तो चाची 420 वाली कहानी है। फिर भी हम श्योर होना चाहते थे, इसलिए हमने पुष्पा जी को चांदनी के गांव भेजा। उसके जब गांव गए तो पता चला कि चांदनी दरअसल चंदू की बीवी का नाम है, जिसका 1 साल पहले इंतकाल हो चुका है। और हमें साथ में ये भी पता चला कि चंदू की एक बेटी है सुरभि नाम की, जिसका लंग का ऑपरेशन होने वाला है परसों। फिर ये गैस करना कोई मुश्किल काम नहीं था कि चंदू ही चोर है और चोरी आज ही होगी। ठीक कहा मैडम आपने। मेरा और मेरी पत्नी का भी एक सलून था मैडम, बहुत अच्छा चलता था। दिन भर कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी वहाँ पर। हम भी पूरी मेहनत और लगन से वहाँ पे काम कर रहे थे, और पिछले साल अचानक चांदनी की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। पार्लर का काम पूरी तरीके से बंद हो गया। फीमेल कस्टमर्स ने बिल्कुल आना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी मेरी सर्विस लेने को तैयार ही नहीं था। और फिर अचानक सुरभि की बीमारी का एक और पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। उसके इलाज के लिए मुझे अपना पार्लर तक बेचना पड़ा। हर तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया था मुझे। पागलों की तरह काम के लिए भाग रहा था इधर उधर, पर कोई भी ब्यूटी पार्लर मेरी सर्विस लेना ही नहीं चाहता था। और तब मैं चंदू से चांदनी बना। मंजू जी के यहाँ पे चांदी बनकर नौकरी करने लगा। और तभी अचानक डॉक्टर ने कहा कि अगर सुरभि की सर्जरी 2-3 दिनों में नहीं की तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी रास्ता नहीं बचा था मैम। और यहाँ भी बाप के फर्ज के साथ मजबूरन ही मुझे स्वीटी जी की ब्रेसलेट चुरानी पड़ी। एक बात हमको समझ में नहीं आया, जब ब्रेसलेट यहीं था तो जब हमने तलाशी लिया तो हमें ब्रेसलेट काहे नहीं दिखा? मैम, जब आप अपनी टीम के साथ ब्रेसलेट की छानबीन के लिए आई थी, तब वो ब्रेसलेट मैंने अपने मुंह में छुपा कर रखा हुआ था। और जब आपकी हेड कांस्टेबल पुष्पा जी सबका बयान ले रही थी, तब वो मैंने सबकी नजरों से बचा के उसे ड्रॉयर में रख दिया था। और वो नकली ब्रेसलेट वो कहाँ से आया? स्वीटी जी मेरी रेगुलर क्लाइंट थी। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि उनका वो ब्रेसलेट प्योर गोल्ड का है और उसकी कीमत लाखों में है। और तभी से मुझे उस ब्रेसलेट में अपनी बेटी की जिंदगी दिखाई दे रही थी। और तभी से मैंने असली ब्रेसलेट चुराकर उसे नकली ब्रेसलेट से रिप्लेस कर देने का प्लान बना लिया, और ऐसा ही किया मैंने। तो फिर ये ब्रेसलेट अब तक क्यों नहीं लिया? आज ही ये नौबत क्यों आई? क्योंकि उस कंपार्टमेंट की चाबी मंजू मैम के पास ही रहती थी, और मैं कभी से प्लान बना रहा था कि कब वो चाबी मेरे पास आए और उस ब्रेसलेट को मैं वहाँ से निकाल लूँ। और आज सुबह जब मैम ने वो चाबी दी और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी जा रही हूँ और उनके पीछे पार्लर की साफ सफाई का ध्यान रखूँ, तब कहीं जाके ब्रेसलेट निकालने का मौका मुझे मिला। तजुर्बा कहता है हमारा, दूसरों के हिस्से का छीनोगे तो अपने हिस्से का भी खो बैठोगे। चंदू, हम तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन तुम कोई और रास्ता भी अपना सकते थे। ऊपर वाले पर भरोसा रखते, डायरेक्ट पुलिस के पास जाते, हमारे पास आते मदद मांगने के लिए, लेकिन नहीं, तुमने चोरी करने का गलत रास्ता चुना। बहरहाल अब भी बहुत देर नहीं हुई है, हम पीएम रिलीफ फंड में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी बेटी की सर्जरी जल्द से जल्द हो जाए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज रिलैक्स, ऐसा मत करो। दोबारा अगर लाइफ में कभी कोई परेशानी आए तो चोरी मत करना। आप सभी ने मिलके मेरी बेटी और मेरे लिए जो भी किया, उसके लिए ये तो बनता है। बस रे, बस अच्छा सा, बस कब? चाय पिलाओ, चाय पिलाओ। आप भी बना के लाता हूँ। सुन, हमको मालूम है तुम बहुत बेहतरीन चाय बनाता है। अगर हमारा चाय तनी को खराब बनाया ना, कसम से बता रहे हैं बाबू, उसी स्टोव पर तुमको बिठा देंगे। जाओ बना के लाओ। हैप्पी बिरबल डे। बिरबल डे? हाँ, बिरबल तुम्हारे बाबूजी का नाम है? नहीं नहीं नहीं, हम बताते हैं, ये हमारा उधारी वसूल करने का नया तरीका। हाँ, बिरबल डे का मतलब हाँ। आज हमारी दुकान पे जो कोई भी ग्राहक आया, उसने कभी भी कुछ भी उधार हमसे खाया होगा, उससे हम एक पहेली पूछेंगे, अगर गलत जवाब दिया तो सारी उधारी अभी चुकानी होगी। हाँ। चुकानी होगी। हाँ। वही अगर सही जवाब दे दिया तो सारा उधार माफ। हाँ। सच्ची क्या बात है? मत एक मिनट, मतलब तुम्हारे पहेली का अगर हम सही जवाब दे दिए तो हमारा पिछला सारा बकाया माफ। साफ साफ खेल खेल। गलत दे दिए तो अभी चुकाओगे भी। हम गलत देंगे ही नहीं। हाँ सुनो, ठीक है ट्राई करो। तो जानते क्या है कि हम तुमसे कुछ भी पूछे, कोई सवाल कुछ भी पूछे, तुमको एक शब्द नहीं बोलना है। इकबालवा चोर है नहीं, काला नहीं बोलना है, तुम कोई और रंग बोल दो, बस क्या नहीं बोलना है? काला। बस वही नहीं बोलना। लेकिन हम दावा करते हैं 30 सेकंड के अंदर तुमसे काला बुलवाएंगे, ठीक है? हाँ तो चलो, तैयार? तैयार। रेडी? यार। आसमान का रंग क्या होता है? नीला। बोल दिया। उधारी दो। बस रे रे रे, साउंड पॉल्यूशन सब, ज्यादा कूदो सब मत, नहीं तो यहाँ पर ऐसा चिपकाएंगे ना, मम्मी पापा आकर खुरच के निकालेंगे तुम लोग को। क्या हुआ? हम बोले जो रंग तुम बोला है। हाँ। हम बोले नीला। अरे नहीं, रजनी कहीं का। तुम क्या बोला था? क्या बोला? तुम बोला था नहीं काला रंग नहीं बोलना है। हमने क्या नहीं बोलने के लिए बोला था? काला नहीं बोलने के लिए बोला। जोर से काला काला। माँ कसम की था, तूने 30 सेकंड के अंदर काला बोल दिया। अब पिछला अगला पिछला जितना भी उधार है सब चुकता करना होगा। बस कितने होशियार है। कहिए क्या कंप्लेंट है? कितनी गर्मी है बेल डार्लिंग। या ईमानदार थाना, गरीब थाना, सच्चाई की हवा, लो बजट हवा, टाइट ओनली टेबल फैन हवा, नो एसी हवा, नो प्रॉब्लम, बैब्स 1 and बैब्स 2 हम यहाँ एसी लगवाएंगे, सेंट्रल एसी, क्योंकि हम अभी बिजनेसमैन होने वाले हैं, हमारे पास बहुत पैसा आने वाला है, दैट्स व्हाई। बेल डार्लिंग, ये तुम हो? हाँ? ये अचानक ऐसा, मतलब खानदानी रईस लग रहा हो ना? नहीं लग रहे हो, खानदानी चोर ही लग रहे हो। खानदानी लानत इतनी आसानी से नहीं जाती है। हाँ। इग्नोर। बेल डार्लिंग, जेल डार्लिंग, बेल डार्लिंग, ठीक पहचानी है आप इसको। बस बस ने है, इट्स अ निकनेम, पेट नेम। चेंज है क्या बेल डार्लिंग? ओह बेब्स 2 चेंज है मेरे पास, लेकिन आपको क्यों चाहिए? व्हाट? मुझे ये भिखारी पसंद आया, इन्हें टिप्स देनी है। नो, इनकी तो बाहर दुकानें हैं। भीख मांगने की दुकान, बिरयानी की, और हमारी बदनाम स्पेशल चाय की। बेब्स 1, बेब्स 2 दे आर माय फ्रेंड्स, गरीबी के फ्रेंड्स है। When I low time, I have low level के friends. But no problem, Babs 1, Babs 2 हम अपने बिजनेस में इनको दोनों को शामिल कर लेंगे और इनको भी अपने लेवल पे ला देंगे, फिर no have problem, Babs 1, Babs 2 क्या? बिले बिले यहाँ यहाँ। What माँ? नहीं ना। तो क्या फिर से चोरी चकारी शुरू की, बुरे काम शुरू किए क्या? No माँ no, आपकी कसम खा के बोला हूँ, नहीं चोरी करूंगा, नहीं गलत काम करूंगा। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अभी तो मैंने बिजनेस खोला है अपना बेब्स 1, बेब्स 2 के साथ, मिड डे मील का। अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट बिल्लू द स्पाई, आई एम बिजनेसमैन गाय। ए बेब्स 1 and बेब्स 2 वो मिठाई लाई, वो बांटो, गरीबों में पहले बांटो। मिठाई? या मिठाई माँ, बस करो भिखारियों। ए चीज़ ले, मिठाई लो से ले। माँ तुम्हारे लिए नहीं है, जगह पिटाओ। क्या मतलब अपनी माँ को तुम मिठाई नहीं खिलाओगे? नो माँ, आपके लिए मिठाई नहीं, आपके लिए खीर। मुझे पता है आपको खीर पसंद है। माँ के लिए खीर मैं खिलाऊंगा अपने हाथों से। माँ आपके लिए मुझे मीठा मीठा आशीर्वाद देना माँ, अपने हाथों से खाओ माँ। माँ मुझे काला टीका लगा दो, कहीं नजर न लग जाए इसलिए। काला टीका? बस कर रे जहरीला टिड्डा। इधर आराम से, इधर। हाँ हाँ बहुत महंगा है। हाय देख। और ये है वो वैशी, वो दरिंदा, वो शैतान, वो आदमखोर इंसान जो इस कंपनी का मालिक है, बिल्लू चंपत। ओह माय गॉड। मिठाई मिठाई। माँ को टीका नहीं लगवाने दिया, नजर लग गई तेरी वजह से। नजर लगी, होश में आओ रसिया केकड़ा, होश में आओ। तुमको पता भी है तुम्हारा पूरा शरीर में कालिख पुत गया? पता है इसके बारे में क्या न्यूज चल रहा है? ये देखो, ये जो मिड डे मील में खीर बनाकर बांट रहा है वो खीर जहरीला है। उस खीर को खाने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सीधा अस्पताल पहुंच रहे हैं। पूरा शहर में हल्ला मचा हुआ, देखना। मेरी खीर खाने से? तुम्हारी खीर खाने से हुई है रे सियाह राक्षस। मामा बाप रे बाप, क्या खा लिया? गई सिम को जाने मत देना। बड़े पुष्पा बड़े मां, सोल को पकड़ कर रखो। एक मिनट शांत हो जाइए। ये क्या हो रहा है पुष्पा जी? मैडम साहब हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए क्या हरकत किया बिलौटा। और ये मिड डे मील सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम है बिल्लू एंड सन। और वही मैडम सर, वही जहरीला खीर लाकर यहाँ पर ना बेचारी भोली मासूम सी पुष्पा जी को खिला दिया राक्षस। तो भैया की सासू, मैंने क्या किया ये? हाँ क्या किया इनको? मैंने कुछ नहीं किया है माँ। वो मेरी खीर नहीं है, वो नंदू हलवाई की खीर है। माँ को बहुत पसंद है ना नंदू हलवाई की खीर, वही लेके आया मैं। माँ नंदू हलवाई की खीर है। नंदू हलवाई की खीर? हाँ, तभी हम सोच रहे थे ये स्वाद कुछ जाना पहचाना क्यों है। ए सिम वापस आ गया। बाप रे बाप, नंदू हलवाई असल मायने में तुम्हारी माँ है। अब सबकी नौटंकी खत्म हो गई हो तो क्या है ये मिड डे मील? ये क्या नया बखेड़ा खड़ा किया तुमने बिल्लू? बखेड़ा नहीं है मिड डे मील, मैं बिजनेस है। पब्लिक का भारी डिमांड पे बुलबुल पांडे इज बैक। इंसाफ का देवी हसीना मलिक जी, कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे अपना फर्ज बजाने, कहा कि हमारा थाना में एक तो केस दर्ज हुआ है ई आपका लाडला चोर के खिलाफ। इसने जो नया बिजनेस शुरू किया है मिड डे मील बांटने का, उसमें जो खीर इसने बांटा है बच्चों को, उसके वजह से सारे बच्चे जो है वो बीमार हो गए हैं। एफडीए का कहना है कि इसने जो खीर में मटेरियल यूज किया है वो मटेरियल इतना ओछा, इतना हल्का है कि डायरेक्ट जहर खिला दो या वो मटेरियल खिला दो, एक ही बात होता है। ये है एफडीए का रिपोर्ट और ये है एफआईआर का कॉपी। हम आपका इस लाडला चोर को हिरासत में लेते हैं जांच पड़ताल के लिए। हैं चलें? नॉट चला चला मैं डिसाइड। नोट छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। बिल्लू चंपत कैसे कर सकते हैं ऐसी घटिया गिरी हुई हरकत आप? आखिर बच्चों के खाने में जहर क्यों मिलाया आपने? देखिए इस कुकर्म से हम भी उतना ही आंदोलित हैं जितना कि आप सब। हमारे अंदर भी क्रोध का ज्वालामुखी जो है वो फट रहा है। इसलिए बिना एक क्षण गवाए बाल सदन प्राथमिक विद्यामंदिर स्कूल से जैसे ही मामला दर्ज हुआ तत्काल हमने मुलजिम को अरेस्ट किया है और आगे का कार्यवाही भी जो है वो बुलेट ट्रेन का स्पीड से होगा, ये वादा है बुलबुल पांडे का। एक मिनट मिस्टर बुलबुल पांडे, एक बात बताइए ये स्कूल का नाम क्या कहा आपने अभी? बाल सदन प्राथमिक विद्या मंदिर स्कूल। और ये स्कूल तो बख्तर रोड पर आता है इफ आई एम करेक्ट। हाँ तो कहो। तो फिर आपको इतना भी नहीं पता कि ये एरिया तो आपका थाना क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये तो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो फिर उस हिसाब से लीगली ये केस हमारे थाने में दर्ज होना चाहिए और इसकी तहकीकात भी हम ही करेंगे। क्या बात है बुलबुल पांडे, आप एक थाने के एसएचओ हैं, आपको इतना कानून तो पता होना चाहिए नहीं? तो फिर अब आप अपने आप हमारे मेन सस्पेक्ट को हमारे हवाले करेंगे या फिर हम डीएसपी सर को फोन करके इन्वॉल्व करें? जैसा आप चाहें। चीता, हमारे मेन सस्पेक्ट को ले जाइए। जी मैडम। सर जी, गांठ छोड़ दीजिए, हमारा मुजरिम है। इट्स नॉट। चलना नॉट, चलना चलना, चल इधर आओ। चलना भीतर पहले तू। ऐसा क्यों हसीना मलिक? कानूनन ये बात तो सही है, लेकिन सारा शहर जानता है कि बिल्लू चंपत आपके ही महिला थाने का आदमी है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस मामले में आपके साथ पक्षपात नहीं होगा? करेक्ट। अगर बिल्लू चंपत दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सही है। हम पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि फर्ज से बढ़कर और फर्ज के आगे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। सत्यमेव जयते। शांत हो जाओ। क्यों इतना रो रहे हो तुम? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। मत रो। समोसे खाओगे? 2 प्लेट मंगाना माँ। हाँ। लेकिन माँ मुझे बचा लो, मुझे अंदर नहीं जाना है माँ। माँ कैसा अफलातून किस्मत लेके पैदा हुए तुम, टोपा इंसान। हाँ, जब देखो हर किसी पचड़े में तुम्हारा मुंडी घुसा हुआ होता है। क्या किया बताओ हमको, डिटेल बताओ इसका थोड़ा। हाँ बताओ। हाँ माँ, Who are you? नेटवर्क का इशू हो रहा है। Excuse me. नेटवर्क यहाँ आएगा। Thank you जनाब। Welcome, it's my pleasure. Thank you so much. हेलो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जनाब, कुछ भी नहीं लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी नहीं लगेगा। हमें तो बस चाहिए पैशन और कुछ कर गुजरने का जुनून। वैसे इन्वेस्टमेंट ना आपको बिल्कुल नहीं करनी है, 0 इन्वेस्टमेंट है, सारा इन्वेस्टमेंट हमारा होगा। हमें बस चाहिए आपके बिजनेस के प्रॉफिट में 40% और कुछ भी नहीं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। ओके बाय। Excuse me? क्या देख रहे थे आप? वो एक्चुअली मैं वैसे नहीं देख रहा था मैम, आपके अंदर वो मैं अपना सुनहरा कल देख रहा हूँ ये। मतलब अभी जो आप जो बिजनेस का स्कीम किसी को फोन करके बता रही थी, वो स्कीम मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी बिजनेसमैन बनना है, अमीर बनना है। तो मेरा जवाब है हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओह थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू आवर बिजनेस फैमिली, मिस्टर बिल्लेश्वर चंपा। माँ मेरी मत मारी गई थी। वो अलग-अलग पेपर देते गए, मैं साइन करता गया, वो पैसे देते गए, साइन करता गया, पैसे देते गए, साइन करता गया, पैसे देते गए। हेलो। अच्छा एक बात बताइए पांडे जी, हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ? हा? अरे अपना बॉस अरेस्ट हुआ कि नहीं ये बताओ। अरे हो ही जाते ससुरे, लेकिन एक तो गड़बड़ हुई गवाह है। जो अरेस्ट जो है वो हमने नहीं किया है, महिला पुलिस थाने वालों ने कर दिया है। हाँ तो पूछ रहे हैं। अरे महिला पुलिस थाने वाले हैं, वो जानते नहीं, उनको हम जानते हैं बहुत अच्छे से। अरे बहुत ही ढीठ मिट्टी के बने हैं, जब तक इस मामले का बाल का खाल नहीं निकालेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस केस में तो उनका अपना आदमी का नाम भी है, तो बहुत ही पर्सनली लेगी। अरे बुलबुल पांडे, हमारे बुलबुले काहे निकाल रहे हो भाई? डरा रहे हो या बता रहे हो? चेता रहे हैं आपको प्रभु, चेता रहे हैं। जोक है जोग, ये जो है महिला पुलिस थाने वाले कानून का जोक है। जब तक खून का आखिरी कतरा चूस नहीं लेते ना सच का, छोड़ेंगे नहीं ससुरे। या जीजा जी, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? आपके चेहरे पे ना ये टेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत हैपन की तो एंड हो गई। ये बुलबुल का बच्चा है ना, मुझको डरा रहा है महिला थाने वालों के नाम पर। जानता नहीं है मुझको, अरे ऐसे कितने ना जाने महिला थाने वाले आए और आकर चले गए, लेकिन रूपलाल रूपलाल का जलवा आज भी कायम है और बड़ी शान के साथ उसका धंधा चल रहा है। अरे आज तक मैंने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं है और भविष्य के अंदर कोई भी सबूत छोड़ने का मेरा कोई इरादा है ही नहीं। लड़की देखी नहीं कि तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने चला जाता है। पैसे भी देखे ना। नाम बताओ उसका। एम्प्लॉय मेरी लीली। माय एम्प्लॉय लीली। गा दो इसका नाम। नंबर दो। हाँ? नंबर नंबर याद है, याद है। 973 जी लिली, हम एसआई करिश्मा सिंह बोल रहे हैं महिला पुलिस थाना से। कल आइए, आपसे बात करना है। सुबह के पहली किरण में हमको आपका चेहरा देखना चाहिए, ठीक है? बिल्लू ने अनजाने में ही सही बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। अगर उस पर आरोप साबित हो गया तो बिल्लू को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।